हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांग बसीन। वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज के मार्केट अनएक्सपेक्टेड थी, बट जो तरीके से हमने मूवमेंट डिसाइड करी थी एग्जैक्टली वैसा वर्क करी है। कल के डाटा भी हम लोगों ने देखा था कि एफआईआई का भी जो भी डाटा था एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग वर्क करी है, एंड एफआईआई ने ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं करी जनरली, बट ऊपर हायर लेवल पर जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, जो टेलीग्राम लेवल चैनल पर मैंने आप लोगों को लेवल सजेस्ट करे थे, एग्जैक्टली वो लेवल सस्टेन हुआ है और वहाँ पर हमें हेवी रेजिस्टेंस देखने। अब करना क्या है, क्योंकि कल ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि पुट राइटर्स सबसे ज्यादा एक्टिव थे और कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस अनवाइंड करी थी, बट आज का डाटा बिल्कुल उल्टा है। एफआईआई का डाटा सेम है, वो लोग हल्के हल्के अपनी पोजीशंस को खत्म कर रहे हैं, बट उनका डाटा अभी भी होना बाय साइड स्टेबलाइज है। बट अगर हम बात करें सिर्फ ओपन इंटरेस्ट डाटा की तो वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। अब डेफिनेटली अगर वो चेंज हुआ है और एग्जैक्टली अपना इंडेक्स भी निफ्टी बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे है, तो कल की एक्सपायरी थोड़ी सी वॉलेटाइल हो सकती है। तो चलते हैं एक बार अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट का रिएक्शन रह सकता है। चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी ये एक लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस था। लेट मी ओपन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर यू, एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इस लेवल पे आज हमें गैप अप देखने को मिला, नीचे आया एग्जैक्टली उसके बाद इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस फेस लिया, तो हम लोगों ने कल ऑलरेडी बात करी हुई थी, ठीक है। वहां से नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया एंड कंटिन्यूस फॉल आ गया। इतना हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली इस लेवल पे दैट इज 16,230 पे एक अच्छा सपोर्ट है। 16,180 से 230 पे एक अच्छा सपोर्ट है जो निफ्टी ले सकती है। ओपन इंटरेस्ट के डाटा में वो भी हल्के हल्के चेंज हो रहा है, बिकॉज वहां पर एक्चुअल में कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू द पुट राइटर्स, और वो आज पोजीशन ज्यादा कॉल राइटर्स ने ऐड करी है, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है, जिसकी वजह से शायद अगर मार्केट नीचे गिरती है तो फॉल अच्छा कंटिन्यू हो सकता है। तो एक बार दोबारा स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक साइकोलॉजिकल लेवल, एक बहुत स्ट्रांग लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है और वी सी आर टू रेड कैंडल्स तो डेफिनेटली इट्स अ शॉर्ट पोजीशन, और जो हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 16,080 टू 16,060 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट मी अगेन ओपन अ 1 आवर टाइम फ्रेम। देर आर टू सिनेरियोज जिसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। अब जनरली ना, अगर मार्केट को अब टर्न अराउंड लेना है, अब दैट मीन्स कि आफ्टर वेरी गुड फॉल, अब अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो इस पर्टिकुलर निफ्टी को अपना 16,170 का लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 16,170 ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोजिंग आती है 1 आवर कैंडल की, तो डेफिनेटली मार्केट दोबारा नीचे तक इस लेवल तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है, जो कि 15,800 के पास है। बट यही राइट टाइम है मार्केट का ऊपर जाने का, बिकॉज एज यू कैन सी इट हियर, इट्स ट्राइंग टू मेक एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो अगर ये इस लेवल्स के आसपास या हल्का सा फॉल करके एक फॉल्स ब्रेकडाउन देके अगर ये ऊपर की तरफ आती है, तो डेफिनेटली अगर ये ब्रेकआउट होता है कल हो जाए या परसों हो जाए, थर्सडे फ्राइडे, हम इस हफ्ते की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड अ वेरी गुड क्लोजिंग दिस वीक। हम बात नहीं कर रहे एक्सपायरी के, बट वी नीड अ वेरी गुड क्लोजिंग। जो लोग बाय साइड में बहुत टाइम से सोच रहे हैं करने के लिए, बट उनको मौका नहीं मिल रहा। सो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है और सस्टेन होता है, तो डेफिनेटली मार्केट अब ऊपर की तरफ अपनी पोजीशंस बना सकती है, देन बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटीज वी कैन इनिशिएट, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द डाटा यहाँ पर अभी तक मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर अभी तक गया नहीं है, विच इज द प्रॉब्लम, ठीक है। सो वी नीड कि इसके नीचे अगर जाता है तो वी नीड द टू कैंडल्स टू क्लोज बिलो 16,170, देन एंड देन ओनली वी गोना ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड, अदरवाइज वी विल नॉट ट्रेड। दूसरी चीज, अगर ये नीचे जाती है और रिवर्सल लेती है और ऊपर की तरफ जाती है, देन हम अपनी एक पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट शुड बी वील एग्जिट सम ऑफ द क्वांटिटीज बिटवीन दिस रेंज, और अगर ब्रेकआउट होता है देन वील एड अगेन क्वांटिटीज, ठीक है। बट वी हैव टू एग्जिट और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम ऊपर की तरफ लेकर आ सकते हैं। सो कल थर्सडे की एक्सपायरी में टेलीग्राम चैनल में बहुत अपडेट्स आने वाले हैं कि हमें बार बार अपनी ना डायरेक्शन चेंज करनी भी पड़ सकती है, कि अभी हम 5 मिनट बाय में आए, आधे घंटे बाद फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं, फिर हम साइडवेज मार्केट पे कॉल और पुट राइटिंग्स के आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें कल टेलीग्राम चैनल में बहुत कुछ हो सकती है। सो रिमेंबर टू ज्वाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो निफ्टी का तो ये डाटा हो गया, एक बार स्टडी कर लेते हैं एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट का। तो एज यू कैन सी इट हियर कि 16,200 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स एक्टिव हैं, और एग्जैक्टली उस लेवल पे कॉल राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं, अनवाइंड कर चुके हैं, विच इज गोना बी द वेरी गुड सपोर्ट। और अभी हमें डाटा के बेसिस पे देखने को मिल रहा है क्लियर बेसिस पे कि 16,230 टू 16,170 अच्छा सपोर्ट बन सकता है।
अब बात करें तो ऊपर 16,300 पे भी फाइट है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की। कॉल राइटर्स डेफिनेटली हेवी है क्योंकि 100 पॉइंट उससे दूर है, बट अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो कल शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली आ सकती है। रिमेंबर दैट टुमारो इज एक्सपायरी, तो दूर की 16,300, 400, 500, 600 हर जगह कॉल राइटर्स एक्टिव है। अगर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है और रुकती नहीं है तो डेफिनेटली सब अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे और शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में कल हमें एक बड़ी मूवमेंट बैंक निफ्टी या निफ्टी में देखने को मिल सकती है ऑन एन अपसाइड। ठीक है, शॉर्ट की हम बात ही नहीं कर रहे जब तक 16,160 या 170 ब्रेक नहीं होता। ठीक है, सो डाटा है, आई थिंक इट्स नॉट दैट गुड और नॉट दैट बैड। अगर हम नीचे देखें तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस भी हमें देखने को नहीं मिल रहा ओवरऑल। अगर हम इस एक्सपायरी की बात करें तो यस, मतलब हमें इस पे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक बार स्टडी कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर सेम है, बट बैंक निफ्टी में एक्चुअल में ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला अकॉर्डिंग टू द निफ्टी। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा, बैंक निफ्टी पहुंच नहीं पाया, बट यस वी कैन सी दैट कि अगर हम इसको इस लेवल पे नीचे ले आते हैं तो डेफिनेटली ये पहुंच पाया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी नीचे पहुंचा, बट ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हो ना, ये जो एक बहुत ज्यादा बियरिश कैंडल बनी उसके बाद एक इनसाइड कैंडल एंड आफ्टर दैट अगेन एक कंटिन्यूस फॉल हमें देखने को मिली। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक एक सिचुएशन बन सकती है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए जो एक सबसे बढ़िया सपोर्ट है ना, दैट शुड बी दिस लेवल। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे भी आता है तो हमें कुछ वैसी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जिसके थ्रू हम प्ले कर सकते हैं मार्केट को। देखिए, हमें निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी सिचुएशन पता है कि 16,170 के नीचे हमें ब्रेक में शॉर्ट करना है, क्लियर बात है, कैंडल क्लोज करती है। अगर ऊपर जाने स्टार्ट करती है तो वी विल गो लॉन्ग और हमें कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर पोजीशन एड ऑन करनी है वो मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी में ना एक्चुअल में सिचुएशन थोड़ी सी मिक्स है कि यहां पर इन बिटवीन ये बैंक निफ्टी है कि अगर यहां से ऊपर जाता है तो भी लग सकता है कि दोबारा फॉल कंटिन्यू कर सकती है, अगर नीचे जाता है तो लग सकता है कि शायद अभी मूव आ सकती है। सो बैंक निफ्टी को ना और अच्छे से हमें एक्सप्लेनेशन तभी मिलेगी कल जो उसका ओपनिंग होगा और ओपनिंग में वो 10 मिनट जो भी लेवल को सस्टेन करता है। सो फ्रॉम माय साइड डेफिनेटली इट्स फॉर्मिंग अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट क्या ये हमें नहीं पता कि इस लेवल से एक अपमूव देगा या इसी लेवल से अपमूव देता है या एक कंटिन्यूस फॉल कर सकता है। सो बैंक निफ्टी में वी हैव टू बी अपडेटेड व्हेन द मार्केट ओपन आफ्टर द 10 मिनट्स ऑफ द मार्केट ओपन, तब हम बैंक निफ्टी में अपनी सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। अदर देन दैट निफ्टी का हम लोग इंटैक्ट है, तब भी कोई बात नहीं, एक बार बैंक निफ्टी का भी हम लोग एक्सपायरी चेक कर लेते हैं। सो ऑन बैंक निफ्टी पुट राइटर्स ऑलमोस्ट अनवाइंड, 1.3 मिलियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हो चुके हैं एंड कॉल पे आप देख सकते हैं 7.6 मिलियन एडिशन है। अभी 34,000 के ऊपर है, बट याद रखिएगा 34,000 में पुट राइटर्स कॉल राइटर्स दोनों अनवाइंड कर चुके हैं। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। और दूर 33,200 पे एक हम लोगों को हैवी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर 33,200 की बात करें तो बेसिकली आता है 33,200 इस लेवल के आसपास। ठीक है, सो बेसिकली वी कांट एक्सपेक्ट कि मतलब मैं वही कह रहा हूँ आप लोगों से कि बैंक निफ्टी का सिचुएशन टाइप अभी अच्छा नहीं है। सो अगर इतना ज़्यादा दूर है और बैंक निफ्टी में यहाँ पर कहीं सपोर्ट नहीं है, तो अगर बैंक निफ्टी में फॉल आती है तो निफ्टी सपोर्ट दे सकता है फॉल में भी, तो दो सिचुएशन हमारे लिए इंटैक्ट है। एक बार स्टडी कर लेते हैं FII का डाटा भी। सो FII का डाटा पे अगर आप देखेंगे तो FII ने 32,000 की पुट ऑप्शंस लॉन्ग करी हुई है, आफ्टर दैट कॉल उन्होंने शॉर्ट करे हुए हैं, दैट मींस दे आर ऑन अ बियरिश साइड। ऑन अ ऑप्शंस ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ऑन अ फ्यूचर्स उन्होंने 62 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्ग करा हुआ है। अब याद रखिएगा जब उन्होंने पुट शॉर्ट करी थी कल के ट्रेडिंग सेशन में और कॉल लॉन्ग करी थी एंड 1000 करोड़ की प्लस बाइंग थी, तो भी मार्केट एक गैप अप तो डेफिनेटली बोली, बट वो सस्टेनेबल नहीं हो पाई। सो अगर यहाँ पर पुट उन्होंने लॉन्ग करी है और कॉल उन्होंने शॉर्ट करी है, दैट मींस बियरिश सेंटीमेंट, और FII के फ्यूचर्स भी इतने लॉन्ग नहीं है, तो दैट मींस कि मार्केट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी साइडवेज टू स्लाइटली डाउन ट्रेंड अगर कल वो विद इन 15 मिनट्स मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट नहीं करती है। पॉइंट यहां पर हमें कॉन्क्लूजन मिल चुका है सारे डाटा को स्टडी करके कि 16,170 के नीचे मार्केट गई तो 16,000 के लेवल्स है मार्केट नीचे जाएगी। बैंक निफ्टी ज्यादा फॉल करेगा तो अगर फॉलिंग ट्रेड मिलता है तो बैंक निफ्टी में हम ज्यादा जाएंगे अकॉर्डिंग टू द निफ्टी। ठीक है, अगर अपसाइड का कोई ट्रेड दिख रहा होगा तो विल गो विद निफ्टी। चलते हैं आप दोबारा अपने सेटअप्स पे, तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक्स दैट वी कैन टेक। सो गाइस, RCF आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय टेलीग्राम चैनल एट 88 रुपीस लेवल, मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स केम टुडे कि उन्होंने 88 पे बाय करा, 95 पे उन्होंने हाफ क्वांटिटीज 40% क्वांटिटीज एग्जिट करी है, नाउ दे आर स्टिल होल्डिंग विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 91। सो आई थिंक इट्स वेल एंड गुड।
और बहुत अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिला है, बट लेट्स टॉक अबाउट कि अब कल क्या ले सकते हैं. सो यस, सो लेट्स गो टू आवर डेली टाइम फ्रेम. द स्टॉक इज टाटा कंज्यूमर. आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर का स्टॉक है एंड आफ्टर अ वेरी गुड अप मूव गाइस, ये एक कंटिन्यूस फॉल के अंदर था. इट टेक अ वेरी गुड पॉज. आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छा पॉज लिया था एंड आफ्टर अ पॉज इट गेव अ वेरी गुड रैली. जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल पे एक मल्टीपल सपोर्ट था. एग्जैक्टली इस लेवल पे सपोर्ट लिया. आप देख रहे हैं कैंडल्स बिल्कुल छोटी होती रही. इवेंचुअली एक बहुत बड़ी कैंडल बनी जो प्रीवियस की 4-5-6 कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करी, विच इज अ गुड साइन. ठीक है, दूसरी चीज अगर आप अर्ली बेसिस पे देखोगे तो इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एट दिस लेवल. इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट. ये देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस थे, ये सपोर्ट बना है एंड यहाँ पर एक डबल बॉटम सिनेरियो बना है. सो आई पर्सनली थिंक ये एक लेवल है जो कि एक क्रूशियल लेवल है. अगर इस लेवल के ऊपर जैसे 757 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है और इस पर हम एक ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं. अब बात करते हैं अपने सेकेंड लास्ट स्टॉक की, दैट इज फर्स्ट इज सीमलेस. ठीक है, सीमेक को अगर हम चेक करें स्टॉक इज गुड. ठीक है, आप देखेंगे आप वेरी गुड डाउन ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला. एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था एंड मैं स्टॉक पे नजर रख रहा था, अपनी वॉच थी और कहीं पर भी हमें रिकवरी के कोई भी साइंस नहीं दिखे. बट आफ्टर अ वेरी गुड फॉल इट्स स्टार्टेड मेकिंग हायर हाइस एंड हायर लोस. अभी रिसेंटली इट ब्रेक इट्स प्रीवियस विंग हाई थ्रू विक, बट वी डोंट माइंड कि अगर विक के थ्रू कर रहा है. बट इस ये जो कैंडल थी इस कैंडल पे इट्स टेकन अ वेरी गुड सपोर्ट. तो रिमेंबर दैट अभी करंट प्राइस इज 960. अगर कल मॉर्निंग में 950 ब्रेक हो जाता है विद इन 5 to 10 minutes तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, तो क्लियर शॉर्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करता और 965 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी रैली ये सीमैक भी हम लोगों को दे सकता है. आप सिंबल यहाँ स्टडी कर सकते हैं, सीमैक है यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक का नाम. सो बेसिकली अभी के लिए हम सिर्फ दो स्टॉक्स को वॉच करके चल रहे हैं बिकॉज टुमारो इज एक्सपायरी और दोनों तरफ ट्रेंड है और वहां पर हम कहीं पर ना फंस जाएं और स्टॉक के बेसिस में लॉसेज ना हो जाए. तो लेट्स गो वे टू स्टॉक्स और लाइव मार्केट पे तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं आपको बताते रहूंगा जब हमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती रहेगी. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा. प्लस गाइज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर कोर्स अल्फा ट्रेडर प्रोग्राम जो कि 1st of June से स्टार्ट हो रहा है. ये कोर्स 3 months ड्यूरेशन का है. लाइव मार्केट पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा थ्रू जूम मीटिंग एंड वेरियस अदर बोनसेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं वर्थ 20,000+ बोनसेस. EMI ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल. तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, अगर आपको लगता है कि हम जिस तरीके से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है और आप इसी तरीके से और सीखना चाहते हैं एंड गाइस तो आप डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं. इसके अलावा एक सुपर बेनिफिट क्या है कि वी आर गोइंग विद अ जॉब अपॉर्चुनिटी. यस गाइज, तो जो भी बैच होगा उस बैच में से हम एक वर्दी स्टूडेंट सेलेक्ट करने वाले हैं जो एज अ मेंटोर हमारे साथ मतलब मेरे साथ पढ़ाएगा नेक्स्ट बैचेस को, या फिर वो कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है एज अ रिसर्च एनालिस्ट एज अ सूटेबल कैंडिडेट. तो सो डेफिनेटली गाइज इट्स गोना बी अमेजिंग अमेजिंग प्रोग्राम फॉर यू और इससे आपकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ सकती है मार्केट के अंदर. सो लेट मी नो एंड इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स. डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स हैं कोर्सेज के, वेबिनार्स के, एवरीथिंग. गो एंड चेक आउट गाइज, थोड़ी मेहनत करिए. बाय बाय, हैव अ गुड डे.